अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफीफा मरियम। आज हमने जो बोन डिस्कस करनी है, ये लोअर लिप की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और जो इस बोन का नाम है फीमर, और इसमें लॉन्गेस्ट बोन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रेजेंट हैं, लाइक इट हैज़ अ अपर एंड, लोअर एंड एंड द मिडल शेफ्ट। तो ये हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लॉन्ग बोन के, अपर एंड, मिडल शेफ्ट एंड लोअर एंड। अब हम बारी बारी इसके तीनों पार्ट्स को देखेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट से भी और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से भी। ये एंटीरियर एस्पेक्ट है फीमर बोन का, ये इस तरह से पड़ी हुई होती है और इसकी जो ये डायरेक्शन है, अगर इसके एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो इसका जो हेड है डायरेक्टेड इमीडियटली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड इन दिस वे दैट इट मेक एन एंगल लाइक दिस। ओके जी, अब ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है। अब इसके एंटीरियर एस्पेक्ट से हम सबसे पहले इसका हेड देख लेते हैं। अगर हम इसकी हेड की बात करें तो इसके अपर एंड में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये है इसका हेड, ये पूरा गोल सा हेड है इसका। ये हेड जो है हिप बोन के एस्टेबुलम कैविटी के साथ जॉइन करता है और हिप जॉइंट बनाता है, और ये इसके जो मेन फीचर्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड हेयर इज लेसर ट्रोकेंटर। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट से हम कोई तीन चार चीज़ें देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैं एंटीरियर एस्पेक्ट से ये जो उभरा हुआ प्रोमिनेंस है, ये एक क्रेस्ट है और इस क्रेस्ट का नाम है इंटर ट्रोकेंटरिक क्रेस्ट। अब हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देखते हैं। मैं इसको पोस्टीरियरली टर्न कर रही हूँ। ये है जो हमारे सामने इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जो मेन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो इसके स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रही हैं, वो इसका हेड है, नेक है, ये रहा इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये रहा इसका लेसर ट्रोकेंटर, और ये ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान में एक अच्छी खासी रफंड सर्फेस है, लाइन सी फॉर्मेशन हो रही है लाइन की, और इस लाइन का नाम है इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन। अब इसके हेड को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसके हेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीडियल और लेटरल। जो मीडियल पार्ट है ये फोविया पॉइंट है जिसके अंदर मैं पेन घुसा रही हूँ, होल सा बना हुआ छोटा सा। इसके इर्द गिर्द छोटे से पार्ट को, हेड के इस पार्ट को हम मीडियल पार्ट कहते हैं, और इसके आउटर पार्ट को, ये जो ग्रेटर पार्ट है हेड का, उसको लेटरल पार्ट कहते हैं। इन दोनों पार्ट्स की, हेड के दोनों पार्ट्स की ब्लड सप्लाई डिफरेंट है। जो मीडियल पार्ट है हेड का, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इट इज़ बाय मीडियल एपिफिजियल आर्टरी एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हेड ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाई लेटरल एपिफिजियल आर्टरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक ऑफ द फीमर। इसके नेक ऑफ द फीमर की दो बॉर्डर्स हैं और दो सर्फेसिस हैं। इसका जो अपर बॉर्डर है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर और शेफ्ट के दरमियान प्रेजेंट है, और जो इसका लोअर बॉर्डर है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, वो लेसर ट्रोकेंटर और शेफ्ट के दरमियान प्रेजेंट है। और इसी तरह से इसकी दो सर्फेसिस हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है। एंटीरियर एस्पेक्ट पर जो फ्लैट है सरफेस और जो फ्लैट सरफेस है नेक की, ये इसकी एंटीरियर सरफेस, और जो हम पोस्टीरियरली मूव करें तो ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक है। नेक पर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और इस कैप्सूल की वजह से दो आर्टरीज हैं जो इस को सप्लाई कर रही हैं, यानी एक इंट्रा कैप्सुलर आर्टरी है और एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर आर्टरी। यहाँ ये नेक पे कैप्सूल प्रेजेंट है। इंट्रा कैप्सुलर आर्टरी का नाम है रेटिनाक्यूलर आर्टरीज, जो इसको सप्लाई कर रही है नेक को, और जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर आर्टरी जो इसमें से पास कर रही है, उस आर्टरी का नाम है मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा जी, अब ये स्पायरल लाइन है, इस लाइन का नाम स्पायरल लाइन है। अब स्पायरल लाइन के साथ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जो ग्रीन कलर की मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको अगर हम पूरा ड्रॉ करते हुए पोस्टीरियरली मूव करें तो ये लाइन अब सेपरेट कर रही है किसको, हेड को विद द शेफ्ट, डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रही है या सेपरेट कर रही है। तो ये स्पायरल लाइन प्रेजेंट है बिलो द लेसर ट्रोकेंटर, और ये पूरी नेक अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो ये नेक को और शेफ्ट को सेपरेट कर रही है। अब शेफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जी। शेफ्ट जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक है, अपर एंड से लोअर एंड के दरमियान जो पूरा लॉन्ग पोर्शन है बोन का, इसको हम शेफ्ट कहते हैं। इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट, लोअर बॉर्डर, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट की अगर हम पहले बात करें, जिसका 1/3 पार्ट है मिडिल पार्ट ऑफ द शेफ्ट। इसके तीन बॉर्डर्स हैं, तीन बॉर्डर्स, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो हम जैसे देख सकते हैं कि ये मीडियल बॉर्डर है, क्योंकि ये हेड, ये जो हेड है ये मीडियली डायरेक्टेड होता है, तो इस साइड पे जो बॉर्डर होगा इस साइड पर, ये मीडियल बॉर्डर होगा और ये लेटरल बॉर्डर। अब हम पोस्टीरियर बॉर्डर देखने के लिए इसको पोस्टीरियरली मूव कर लेते हैं। ये रहा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट। अब जी ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट है, और इसको हम लाइन ऑफ एस्परो बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो ये जो लाइन ऑफ एस्परा, ये अच्छी खासी रफंड सरफेस है जिसको हम हाथ लगाकर यूँ फील कर सकते हैं। अब अगर ये ऊपर मूव कर रही है अपर बॉर्डर, अपर साइड ऑफ द शेफ्ट पे, तो भी तो ये दो लिप्स में डिवाइड हो रही है। ये जी इधर से एक डिवीजन है और एक ये डिवीजन है,
और जब ये मूव करते हुए लाइन ऑफ हेस्परा नीचे जा रही है लोअर बॉर्डर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द शेफ पे, तब ये दो लिप्स में डिवाइड हो रही है, ये इसका एक लिप और ये दूसरा लिप है लाइन ऑफ एस्परा का लोअर बॉर्डर ऑफ द शेफ पे। तो ओवरऑल हम अगर बॉर्डर्स की बात करें शेफ की, तो मीडियल पार्ट ये था हमारा मीडियल पार्ट, 1/3 मीडियल पार्ट ऑफ द शेफ, इसके तीन बॉर्डर्स हैं, तो इनके जो लाइन ऑफ एस्परा के दो लिप्स की वजह से इसका अपर पार्ट ऑफ शेफ के भी चार बॉर्डर्स हो जाएंगे और लोअर पार्ट ऑफ द शेफ के भी चार बॉर्डर हो जाएंगे। तो जो अपर पार्ट ऑफ शेफ है उसके जो चार बॉर्डर हैं वो मीडियल, लेटरल, स्पाइरल लाइन और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। आई एम सॉरी आई मिस दिस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, आई मार्क्ड इट कि ये इस तरह से ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे ये रफन सरफेस है, ट्यूबरोसिटी है, इसका नाम है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। और जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल लिप है ये बॉर्डर बना रहा है, एक बॉर्डर बना रहा है, और दूसरा बॉर्डर ये स्पाइरल लाइन है जो लेसर ट्रोकेंटर के बिलो इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, एक ये बॉर्डर बन रहा है इधर, और एक इसका ये मीडियल और ये लेटरल। तो ये इस तरह से चार बॉर्डर बनते हैं शेफ्ट के अपर एंड के। अब हम लोअर एंड को देख लेते हैं, लोअर एंड के भी चार बॉर्डर बन रहे हैं। ये मीडियल एंड है ना, ये मीडियली अटैच होता है उसके साथ, एसिटेबुलम के साथ, तो हम मीडियल एस्पेक्ट से ही जाते हैं। तो मीडियल ये रहा लोअर एंड ऑफ द शेफ्ट का मीडियल बॉर्डर, ये रहा इसका लेटरल बॉर्डर। अब इसको हम पोस्टीरियरली अगर जाकर देखें तो ये जो लाइन ऑफ एस्परा की दो डिवीजन्स थी, अब ये वाली जो डिवीजन है इसका ये जो बॉर्डर बना रही है, इस बॉर्डर का नाम है लेटरल सुप्राकोंडाइलर, क्योंकि ये जो बॉर्डर था ये लेटरल था, तो ये लेटरल के साथ जो है ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर बॉर्डर, और ये जो बॉर्डर था ये मीडियल था, तो मीडियल के साथ जो लाइन ऑफ एस्परा की लिप आ रही है उसका नाम है लेटरल सुप्राकोंडाइलर बॉर्डर। अच्छा जी, अब हम लोअर एंड को देख लेते हैं। लोअर एंड पे दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर टू कॉन्डाइल्स, दिस कॉन्डाइल इज नॉन एज मीडियल कॉन्डाइल और दिस कॉन्डाइल इज नॉन एज लेटरल कॉन्डाइल। अब ये एंटीरियर एस्पेक्ट से बोन मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले एंटीरियर एस्पेक्ट से दोनों कॉन्डाइल्स आपस में एक लाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये लाइन जो है इसको शेफ्ट को और कॉन्डाइल्स को आपस में सेपरेट कर रही है और ये बिल्कुल बराबर है। अब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये एलिवेटेड हुए हुए हैं, यूँ एलिवेशन है, ये हमारा था मीडियल कॉन्डाइल और ये था हमारा लेटरल कॉन्डाइल, और ये सेपरेट है। अब ये जो नॉच है या फोरामिना है जो ये जो सेपरेट कर रहा है दोनों कॉन्डाइल्स को, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स को, ये किस एस्पेक्ट से सेपरेट कर रहा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से और इन्फीरियर एस्पेक्ट से सेपरेट कर रहा है, जबकि एंटीरियर एस्पेक्ट पे दोनों कॉन्डाइल्स जुड़े हुए हैं या एक लाइन के थ्रू। अच्छा जी, अब हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं सारे स्ट्रक्चर जो कि फीमर बोन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इसकी मसल अटैचमेंट देख लेते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हम अलग अलग मसल अटैचमेंट देखेंगे। ये है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर बोन। अब एंटीरियर एस्पेक्ट पे इसके थोड़े से मसल्स जो अटैचमेंट मेंशन है इधर, ये जो पार्ट है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर पर दो मसल्स अटैचमेंट दे रहे हैं, एक पिरिफॉर्मस मसल और ये ग्लूटियस मिनिमस मसल। अब अगर हम लेसर ट्रोकेंटर पर देखें तो लेसर ट्रोकेंटर पर जो मसल अटैचमेंट दे रहा है उसका नाम है सॉस मेजर मसल, और ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है जो नेक रीजन पर प्रेजेंट है ये आपको डॉटेड लाइन से डायग्राम में शोड है। इसके अलावा ये जो मसल है आर्कुलेरस जीनस की अटैचमेंट शो हो रही है, और जो कि शेफ्ट के लोअर बॉर्डर के करीब करीब है, सॉरी लोअर पार्ट के करीब करीब है, और ये जी हमारा मीडियल कॉन्डाइल और ये लेटरल कॉन्डाइल, इसके ऊपर कैप्सुलर लिगामेंट आपको डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से इसकी अटैचमेंट। तो ये रहा हेड, ये कैप्सुलर लिगामेंट, और अभी ग्रेटर ट्रोकेंटर के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो मसल अटैचमेंट दे रहे हैं इन मसल का नाम है ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड गैमिलाए, एंड ये वाला है ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड गैमिलाए, और ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे अटैच है पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, इसका नाम है ग्लूटियस मीडियस, और इसके बिल्कुल नीचे जो मसल प्रेजेंट है इसका नाम है क्वाड्रेटस फीमोरस। अभी जो लेसर ट्रोकेंटर पे मसल प्रेजेंट है इसका नाम सॉस मेजर, जो हमें ये देखें जी हमें एंटीरियर एस्पेक्ट से भी नज़र आ रहा था और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से भी नज़र आ रहा है, तो ये रहा सॉस मेजर मसल। अब सॉस मेजर की मसल के अगर इन्फीरियर साइड पर आ जाए तो ये हमारे पास है, एक है बिल्कुल इन्फीरियर साइड पर जिसके साथ क्लोजली रिलेटेड है, इसका नाम है इलियकस, और जो इसके अब इलियकस के बैकवर्ड मूव करें तो जो मसल प्रेजेंट है उसका नाम है पेक्टिनियस। अब अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट के लेटरल साइड पर अगर हम देखें तो ये जो मसल अटैचमेंट दे रहा है इस मसल का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमम, सॉरी ग्लूटियस मैक्सिमस ऑन ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो ये एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पर,
इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मसल्स अपनी इंसर्शन या ओरिजिन दे रहे हैं, या आप अगर जब पढ़ेंगे लोअर लिम्ब के मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन तब इसे गो थ्रू करना ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से इसको याद करना मुश्किल होगा। तो शैफ्ट पे बहुत सारे और मसल्स भी अपनी ओरिजिन इंसर्शन वगैरह दे रहे हैं, लाइक दिस, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, दिस रेड लाइन, एंड दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस, एंड दिस दीज टू आर मैंशन एज लाइन ऑफ एस्प्रा। अब हम इसका लोअर बॉर्डर देख लेते हैं जी। लोअर बॉर्डर पर अगर इसके लेटरल साइड पर जो मसल अपनी अटैचमेंट दे रहा है उसका नाम है प्लेंटेरस मसल, और जो इसकी मीडियल बॉर्डर पर जो कॉन्डाइल के बिल्कुल ऊपर जो मसल अटैचमेंट दे रहा है इसका नाम है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनीमियस मसल, और ये जो डॉटेड लाइन से शो है आपको कैप्सुलर लिगामेंट जो कॉन्डाइल के ऊपर प्रेजेंट है। यह चार जी हमारा नॉच जो कॉन्डाइल्स के दरमियान में नॉच प्रेजेंट था, इसके साथ इस नॉच में दो लिगामेंट्स अपनी अटैचमेंट देते हैं, इस लिगामेंट का नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और इस लिगामेंट का नाम है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। थैंक यू।